हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए है जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिनका कलर बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है, बट वो परेशान है कि इसको मेंटेन कैसे करना है और जो प्रोडक्ट्स आफ्टर केयर के लिए होते हैं उनको लगाने का सही तरीका और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो उनको फॉलो करना है। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइज ध्यान से बने रहिएगा मेरे वीडियो को, ढंग से सुनिएगा, समझिएगा और चीज़ों को वैसे ही फॉलो कीजिएगा तो रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक बहुत ही अच्छे चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ आपको वाइटनिंग के ऊपर, कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर, एडवांस वाइट किट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जब भी आप ये किट यूज़ करते हैं आपको 6 to 8 शेड लाइट हो जाता है। अब उसके बाद मेंटेन आपको 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है। आपको 2 या 3 किट यूज़ करना पड़ता है, एडवांस वाइट की या कोरियन ग्लास जो ट्रीटमेंट की किट होती है आपको 2 या 3 किट यूज़ करनी है। अब रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको मेंटेन करना। मेंटेन कैसे करें, आपको सनस्क्रीन नाइट क्रीम लगा के उसको हमेशा मेंटेन करना है। एक बात का आपको समझना पड़ेगा, ये चीज किट्स हैं ये करती क्या है, ये इट्स अ साइंस बेसिकली। ये जो आपके मेलेनिन पिगमेंट है स्किन में, लेयर में जो स्किन लेयर में जो मेलेनिन पिगमेंट होते हैं ये उसको डिसॉल्व कर देती है, वो उसका नेक्रोसिस कर देती है और वो पिगमेंट धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं थ्रू ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट से पिगमेंट तो रिमूव हो गए, अब वापस पिगमेंट ना बने, न्यू पिगमेंट ना बने, उसके लिए हमें क्या करना है। तो न्यू पिगमेंट कैसे बनेंगे, जब भी हम बाहर धूप में जाते हैं तो हम जब धूप में जाते हैं तो सन रेज के टच में आने पे हमारी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट बनना चालू हो जाते हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है सन प्रोटेक्शन। अब आप बोलेंगे सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन तो हम लगाते ही, बट फिजिकल सनस्क्रीन लाइक मैं प्रेफर करता हूँ यूवी मैक्स, इट्स वेरी गुड सनस्क्रीन, इट्स SPF 50 और इसको आप डेली जब हम बाहर जाते हैं तो हमें लगाते हैं। बट फिजिकल सनस्क्रीन का दिक्कत क्या होती है, इसको आपको 1.5 से 2 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज जब हम बाहर धूप में जाते हैं पसीना आता है तो सनस्क्रीन निकल जाती है उस एरिया में, बिकॉज ऑफ फिजिकल ब्लॉकर। आपने कोई सनस्क्रीन लगाई उसमें लाइट पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होगी तो इट्स अ फिजिकल ब्लॉकर, बट वहाँ पर जब पसीना आता है तो वहाँ से सनस्क्रीन हट जाती है, तो उसका असर 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाता है। चाहे 50 की यूज़ करो, चाहे SPF 30 यूज़ करो, चाहे SPF 90 यूज़ करो, वो एक समय के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। अब बिकॉज आप बाहर ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं बाहर हैं तो बार बार रीअप्लाई नहीं कर पाते, तो मैं क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि गो फॉर ओरल सनस्क्रीन विच इज यूवी स्पार्क। ये ओरल सनस्क्रीन है, खाने वाली सनस्क्रीन है, आप इसको खाएंगे आपको फुल बॉडी पूरी बॉडी, ये एक पर्टिकुलर पार्ट में आप लगा रहे हो। सर आपको फेस में लगाया तो फेस में असर कर रहा है, हैंड्स में लगाया तो हैंड पर असर कर रही है, बट खाने वाली सनस्क्रीन की खासियत ये होती है जब उसको खाते हैं तो ये फुल बॉडी में धूप के डैमेज से बचा के रखती है, वो भी 6 to 7 hours, मतलब 6 से 7 घंटा आपका बचेगा जब उसको लगाएंगे। नेचुरल पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमा से और जिंक है इसके अंदर, तो ये टोटली साइड इफेक्ट फ्री है, बट इसका ये है कि जिस दिन आप खाएंगे उसी दिन असर करेगी। और आपको 2 गोली एक साथ खाना है मॉर्निंग में 9 AM, आप जब भी उठे आप खा लो, और आप घर पे रहे तो भी खाते रहे क्योंकि यूवी रेज कहीं ना कहीं से तो आती ही है। तो ये साथ में चेहरे में चमक बनी रहे इसके लिए मैक्सप्रो टैबलेट बहुत अच्छी होती है जो आपको लेना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे क्लाइंट को। सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम है डर्मा गोल्ड, जो आपको डेली नाइट में अप्लाई करनी है, जो किट में साथ में आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रीम। और इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, एक पीनट साइज बराबर आपको जो चने के दाने बराबर होती है उतना आपको लेना है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि व्हाइट है हमारी क्रीम, कई बार बोलते हैं कोई येलो क्रीम है। गाइज जो एकदम फ्रेश बैच होता है, जो नया नया बैच बन के आता है, तो क्रीम व्हाइट होती है, इट्स वाइट, बट जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है थोड़ा जैसे भी होता है उसमें जो विटामिन सी इसके अंदर वो रिड्यूस होता है, इसलिए उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी नॉर्मल, अगर आपको व्हाइट क्रीम मिली तो दैट मीन्स आपको एकदम फ्रेश स्टॉक मिला है, कलर 100% वो रिजल्ट देगा, और अगर थोड़ा पुराना भी हो गया तो भी वो रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं देगा, येलो है तो रिजल्ट नहीं देगा, बट वो थोड़ा थोड़ा रख रहते रहते वो रिड्यूस होता है, तो खराब नहीं है, येलो भी खराब नहीं है, व्हाइट भी खराब नहीं, दोनों सेम है, बट वो आपको थोड़ा जैसे जैसे वो रहता है क्योंकि कंपनी से बन के आता है तो धीरे धीरे वो रिड्यूस होते ही है, बट उसको एफिकेसी में कहीं भी फर्क नहीं आता है। आपको डेली फेस वॉश करके शाम को इतनी क्रीम आपको डेली अप्लाई करना है फेस पे, इतनी क्रीम आपको डेली अप्लाई करना है। आप ये देख लीजिए तरीका इसका, ये आपको फर्स्ट 1 से 2 महीने में आपको रेगुलर डेली अप्लाई करना है। इसके बाद ये क्या करेगा, ये न्यू पिगमेंट को बनने से ब्लॉक करेगा। देखो जब हम बाहर धूप में जाते हैं ना तो न्यू पिगमेंट बनते ही है, एंड दैट्स वेरी नेचुरल एंड सेफ। जो आप बाहर धूप में जाएंगे तो अगर आपके पिगमेंट बन रहे हैं तो वो टोटली सेफ चीज़ है, क्योंकि आपको धूप से आपके ऐसा कोई भी बॉडी के अंदर कुछ नहीं हुआ है कि आपके नए पिगमेंट बनना ना हो, तो आपके यूवी रेज आपका धूप से बचाती है। अगर नए पिगमेंट नहीं बन रहे दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी रॉन्ग।
और इसके आप 1 से 2 महीने आपको अप्लाई करिएगा, उसके बाद आप चाहें तो इंस्टा ब्राइट पर शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है इंस्टा ब्राइट पैक क्या है, ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये 4 से 5 शेड लाइट करता है, एडवांस वाइट के साथ डर्मागोल्ड आती है 6 से 8 शेड लाइट करती है। एडवांस वाइट किट मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप सेलिब्रिटी स्किन वाइटिंग सीक्रेट का वीडियो देख सकते हो या मेरे जितने वीडियो है वाइटिंग के ऊपर कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर जो है आप वो लिंक देख सकते हो एडवांस वाइट किट। और इसके साथ जो ये इंस्टा ब्राइट पैक आता है अलग अलग सबको खरीदना पड़ता है, 4000 का आता है। इस पैक को आपको डेली नाइट में अप्लाई करना है और इस टाइप का थिक पैक होता है। तो अभी क्या होता है कि जब आप डर्मागोल्ड लगाते हैं तो आपको इसको रोज़ लगाना पड़ता है, ठीक है। आप दिन में सनस्क्रीन लगाएं, रात में डर्मागोल्ड लगाएं, फिर क्योंकि हम धूप में जब भी जाते हैं तो पिगमेंट बनते ही बनते हैं, तो लोग परेशान रहते हैं कि सर हमने आज 2 दिन 4 दिन 6 दिन हम गोवा चले गए और वहाँ पर हमारा कलर डाउन हो गया, हम क्या करें। तो करें कुछ नहीं, एक किट यूज़ कर लीजिए तो कलर वापस गोरा हो जाएगा। और चाहे तो आप इंस्टा ब्राइट पैक ले सकते हो, इसकी मोटी लेयर आपको चेहरे पे लगानी, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा देख सकते हो इंस्टा ब्राइट का वीडियो मेरे लिंक पे। और कोई भी दिक्कत है तो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो और कोई भी डाउट है मेरी टीम से भी बात कर सकते हो। तो इन सब की मैं लिंक डाल दूंगा आपको कहाँ मिलेगी और लगाने का तरीका मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू पिगमेंट को बनाना बनने से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यू पिगमेंट बनता है डेली उनको रिमूव करती रहती है। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो स्किन स्टार्टिंग में सेंसिटिव रहती है, क्योंकि डेड लेयर निकलती ही है, तो स्किन स्टार्टिंग में सेंसिटिव रहती है, तो आप डरे नहीं, थोड़ी डेड लेयर निकल सकती है, थोड़ी खुजली हो सकती है, थोड़ी रेडनेस आ सकती है, दैट्स वेरी नॉर्मल। ये कुछ समय तक होता है बट धीरे धीरे वो सब साफ हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है, स्किन रेड हो रही है या डेड लेयर निकल रही है थोड़ी सेंसिटिव है, तो एक इंस्टा रिपेयर सीरम आता है, इट्स वेरी गुड। ये नॉर्मल भी लोग लगा सकते हैं, इससे भी वाइटिंग इफेक्ट आता है, मैं आपको बता दूं। मैं अभी आजकल तो मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता हूं, ये सब नहीं लगाता हूं, क्योंकि मेरे को अब जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ इसको ही लगा लेता हूं। तो रिपेयर सीरम है, इसकी हीलिंग को, स्किन की हीलिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट करता रहता है। जो मैक्सक्लो टैबलेट ये भी शाइनिंग देता है, हीलिंग को फास्ट करता है, स्किन टर्न ओवर को फास्ट करता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमारी स्किन पतली हो गई है क्या, हमारी स्किन में ऐसे नसें दिख रही हैं क्या, ये ऐसा हो जाएगा क्या। गाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपकी स्किन, हमारी स्किन 20 से 25 दिन में, 25 से 30 दिन में डिपेंड करता है एज के ऊपर, आपकी टर्न ओवर होता है ना, तो हमारी स्किन पूरी ग्रो होकर डेड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब स्किन ग्रो करती है, पूरी लाइफ साइकिल उसकी कन्वर्ट हो जाती है 25 से 30 दिन में। तो अगर आपकी डेड लेयर, जब हम पीलिंग करते हैं, कोई भी पीलिंग ट्रीटमेंट करते हैं, डेड लेयर निकलती है तो थोड़ी सेंसिटिव होती है, बट वो हमारी वापस से ग्रो हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी स्किन पतली हो रही है या ग्रो नहीं करेगी या धीरे धीरे आपकी नसें बाहर आ जाएंगी, हड्डियां बाहर आ जाएंगी या मसल बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, स्किन ग्रो करती रहती है। गाइस ये सब मिसकंसेप्शन दूर रखो। और कई लोगों का डाउट होता है हमें स्किन कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो बहुत ही बेतुकी बात है कि स्किन कैंसर का कोई कहता है तो वो बिल्कुल ही बहुत ही बेतुकी बात है। स्किन कैंसर इंडिया में होता ही नहीं है और इन ट्रीटमेंट से कोई भी स्किन कैंसर नहीं होता है। और एक्ने आएंगे क्या, एक्ने भी नहीं आते हैं गाइस। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक्ने फ्लेयर अप हो सकते हैं, अगर पहले से एक्ने हैं तो, इससे कोई एक्ने नहीं आते हैं। तो गाइस ये दिमाग से बाहर निकाल दो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए एक्ने की मेडिकेशन होती है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा नंबर पे, आप मुझे कंसल्ट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या मेडिकेशन लेना है। कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही गाइस। और यही ट्रीटमेंट अगर आप किसी क्लिनिक में या किसी पार्लर में जाकर कराएंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये एक सेटिंग का चार्ज करेंगे, जो कि मैंने आपको लिंक बना के भेजा हुआ है। आप एडवांस क्लियर स्किन किट या कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट जो किट है आप वो ले सकते हो, तो 9-10 हज़ार रुपये का पड़ता है एक किट, आप घर पर बैठ के खुद भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मेंटेनेंस के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन हमेशा करना पड़ता है, कोई भी चीज़ मेंटेन करना ही पड़ता है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी को भी धो के साफ करते हैं ना, डेली साफ करते हैं, गंदगी को दूर करना है। हम कपड़े पहनते हैं तो हम जब गंदे कपड़े गंदे जाते हैं तो साफ करना ही पड़ता है ना उसको मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ में मेंटेनेंस लगता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ जादू की छड़ी नहीं मेरे पास कि मैं घुमाया और ऐसा गोरे हो जाओगे। ये परमानेंट स्किन वाइटिंग का ट्रीटमेंट आता है, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था परमानेंट स्किन वाइटिंग के ऊपर, उसमें ऐसा मेंटेनेंस की क्रीम नहीं लगती ना कोई आपको कुछ खाना है मेंटेनेंस के लिए, बट दैट्स वेरी कॉस्टली। आप एक बार पूरे गोरे हो सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है गोरे होना बट उसको मेंटेन करना बहुत टफ होता है। तो या तो बहुत खर्चा करके एक बार में परमानेंट गोरे हो जाओ, वो भी साइड इफेक्ट फ्री है और मेंटेनेंस फ्री है, बट उसमें 10 से 15 लाख रुपये चार्ज लगता है और 99% डॉक्टर्स को नहीं पता वो ट्रीटमेंट के बारे में। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको ट्रीटमेंट करता हूँ परमानेंट स्किन वाइटनिंग। बट अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट ले रहे हो, लाइक इंस्टा ब्राइट पैक लगा रहे हैं या आप डर्मागोल्ड लगा रहे हैं या आप एडवांस क्लियर स्किन किट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ मेंटेनेंस आपको करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हम डेली ब्रश करते हैं या जो भी चीज़ करते हैं, वैसे ही फॉलो उसको आपको करना है अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और ग्लोइंग शाइनिंग रखने के लिए। तो गाइज मैं हूँ डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। कोई भी डाउट है मैं वहाँ पर वेट करूँगा, आप आइए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे से बात कीजिए और अपने अपने कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तब जब मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा फटाफट।